हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली समेत राज्य की अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले सत्र के अंत से लेकर इस सत्र के आरंभ तक की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए देश के राजनेताओं, हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों, हरियाणा के शहीदों और हरियाणा विधानसभा सदस्यों के निकट संबंधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भावभनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और विधानसभा सदन में दी गई श्रद्धांजलि व शोक प्रस्तावों को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया। और 4 बार लोकसभा की सदस्या भी रही। उन्होंने केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला। वे लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रही तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही। उन्होंने आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया। मुझे श्री अरुण जेटली जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के दुखद निधन पर गहरा शोक है। ये 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। उन्होंने केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला और उनको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अनेक कानूनी व समसामयिक मुद्दों पर अनेक लेख लिखे। मुझे श्री देवीदास, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य के दुखद निधन पर गहरा शोक है। वह 3 बार विधायक चुने गए और उन्होंने समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। इसी तरह श्री अमीलाल, स्वतंत्रता सेनानी के हुए दुखद निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। इसी तरह देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करते हुए हरियाणा के जिन शहीदों ने अपने प्राण निछावर किए हैं, मैं उनकी शहादत पर नमन करता हूँ। इसी तरह से भूतपूर्व मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता जी तथा वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों के जिन संबंधियों का दुखद निधन हुआ है, मुझे उनके लिए भी गहरा शोक है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। माननीय सदस्यगण, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से शोक प्रस्ताव रखने की दरख्वास्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले विधानसभा सत्र से के बाद और इस समय तक जो महानुभाव हमें छोड़कर चले गए, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कुछ शोक प्रस्ताव सदन के सम्मुख रख रहा हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या 1, ये सदन भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के 6 अगस्त 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ। वे वर्ष 1970 तथा 1987 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई
तथा 1977 से 1979 तथा 1987 से 1990 के दौरान मंत्री रही। वे वर्ष 1990, 2000 तथा 2006 में राज्यसभा तथा 1996, 1998, 2009 तथा 2014 में लोकसभा की सदस्य चुनी गई। वे वर्ष 1996, 1998, 2000 से 2004 तथा 2014 से 2019 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहीं। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए सूचना एवं प्रसारण, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य तथा विदेश मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे वर्ष 2009 से 2014 के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रहीं। वे 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी। उन्होंने आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया। उनके निधन से देश एक अति लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली के 24 अगस्त 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ। वे वर्ष 2000, 2006, 2012 तथा 2018 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1999 से 2000 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वर्ष 2000 से 2002, 2003-04 तथा 2014 से 2019 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए वित्त, रक्षा, सूचना एवं प्रसारण, वाणिज्य एवं उद्योग, जल परिवहन, विधि और न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे 3 जून 2009 से 26 मई 2014 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे 2 जून 2014 को राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए। उन्हें वर्ष 2010 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे वर्ष 1989 से 90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उन्होंने कानूनी और समसामयिक मुद्दों पर अनेक लेख लिखे। वे स्वाभिमानी, अनुशासनप्रिय और स्पष्टवादी थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है।